लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आई है। लालू तेजस्वी तेज प्रताप सहित 8 लोगों को समन भेजा गया ईडी की चार्जशीट पर। कोर्ट ने संज्ञान लिया, केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है, यह बात कोर्ट की ओर से कही गई। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपनी बात को रखा और कहा केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी यह बड़ी खबर, यहां पर एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। लैंड फॉर जॉब घोटाले का यह मामला जहां पर जॉब के बदले जमीन ली गई, इससे जुड़ा यह पूरा मामला है और लालू तेजस्वी तेज प्रताप सहित 8 लोगों को समन भेजा गया है। केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, यह टिप्पणी कोर्ट की ओर से कही गई। देखिए लालू यादव या कह उनके परिवार पर एक बार फिर से मुश्किल बढ़ती हुई, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और लैंड फॉर जॉब घोटाले से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष देखिए एक बार फिर से एक मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही लालू परिवार की और कहा यह जा रहा है कि पर्याप्त इस बार सबूत भी हैं, तो क्या कुछ नए सबूत हाथ लगे? अब बिल्कुल देखिए लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार नए खुलासे जो हैं वो हो रहे थे, लेकिन अब देखिए राव जवेनी कोर्ट ने फिर से समन जो है वो पूरे लालू परिवार को भेज दिया। देखिए लालू परिवार में कुल 8 लोगों को, परिवार से बाहर भी कई लोग हैं जिनको समन किया गया है, लेकिन इस बार खासकर तेज प्रताप यादव को भी टारगेट किया गया है। तेज प्रताप यादव को भी साफ कहा गया है कि ये भी इन तमाम चीज़ों में जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं कि सीधे तौर पर नहीं लेकिन तमाम अलग तरीके से इन्हें भी फायदा हो रहा था। तो लैंड फॉर जॉब मामले में इस बार तेज प्रताप यादव को भी समन किया गया है। देखिए 7 अक्टूबर को इन तीनों बड़े नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने के लिए कहा गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में कई ऐसी जमीनें थीं जिसको लेकर ये बातें कही गई कि लालू यादव ने जमीन लेकर नौकरी दी थी, सरकारी नौकरी दी थी। अब इसमें कई कह सकते हैं शख्स जो हैं वो ईडी को मिले थे, सीबीआई को मिले थे और लगातार इसको लेकर बातें सामने आ रही थी, लेकिन कोर्ट ने अब समन जारी कर दिया और तीनों को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने को कहा है। और साथ ही साथ मीसा भारती का भी नाम इसमें है क्योंकि मीसा भारती के नाम पर भी कई जमीन दिए गए थे और उसके बाद मीसा भारती कह सकते हैं कि लालू यादव ने जो सरकारी नौकरी है वो दी थी। तो इस बार मीसा भारती, हालांकि उन्हें समन नहीं किया गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव इन तीनों को समन किया गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके विदेश दौरे को भी रोका जा सकता है क्योंकि जब उन्हें सशरीर हाजिर होने को कहा गया है तो तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे में 7 अक्टूबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी, लालू यादव और तेज प्रताप तीनों को पेश होना होगा। अंकुर वही उत्कर्ष, क्या समन की तारीख भी सामने आई कि आखिर क्या किस डेट को यह समन भेजा गया है? और इसके साथ ही साथ ये भी कि देखिए क्या बैठे बिठा एक मौका नहीं मिल गया, फिर से लालू परिवार कहता हुआ नजर आएगा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर पहले भी हमने देखा ये जिक्र उनकी ओर से किया जाता था। अब बिल्कुल देखिए अगर तारीख की बात की जाए तो 7 अक्टूबर को जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में तीनों को पेश होना है। इसके अलावा अगर पूरे मामले की बात की जाए तो लालू यादव इसको लेकर कई बार जेल भी जा चुके हैं, हालांकि फिलहाल अभी वो स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर आए हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि फिर से परेशानी और मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक तरफ जहाँ लालू यादव के लिए जेल फिर से कह सकते हैं कि जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, तेजस्वी यादव को भी समन हो सकता है, लेकिन देखिए इस वक्त ये स्थिति हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर विपक्ष को मिल गया है कि जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर कोर्ट का समन होगा तो तमाम नेताओं को पहुंचना होगा। लालू यादव की कुछ दिन पहले भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो परेशानी लालू यादव को जरूर है, लेकिन बावजूद इसके 7 अक्टूबर को इन तीनों बड़े नेताओं को पहुंचना है। लेकिन खासकर इस बार सबसे अहम इसलिए भी होगा अंकुर क्योंकि इस बार तेज प्रताप यादव को भी सामने रखा गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में नहीं था। राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये चार लालू परिवार के लोग थे जिनका नाम था, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आ गया है और तेज प्रताप यादव बिल्कुल यानी और यही बात इस तरफ भी सारा करती है, यानी कुछ नए सबूत भी हाथ लगे और कहीं ना कहीं केस पहले से मजबूत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों अलग बातें हैं कि आप एक तरफ बयानबाजी करते हैं लेकिन अगर कोर्ट का समन गया है तो आना जरूर होगा। हालांकि अब देखने को क्या कुछ कार्रवाई सामने निकल कर आती है, आप बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर यहां पर दिखाई दे रही है। एक खबर लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आई है। लालू तेजस्वी तेज प्रताप सहित 8 लोगों को समन भेजा गया ईडी की चार्जशीट पर। कोर्ट ने संज्ञान लिया, केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है, यह बात कोर्ट की ओर से कही गई। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपनी बात को रखा और कहा केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है।
लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर, यहां पर एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले का यह मामला जहां पर जॉब के बदले जमीन ली गई, इससे जुड़ा यह पूरा मामला है और लालू तेजस्वी तेज प्रताप सहित 8 लोगों को समन भेजा गया है। केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, यह टिप्पणी कोर्ट की ओर से कही गई। देखिए लालू यादव या कहें उनके परिवार पर एक बार फिर से मुश्किल बढ़ती हुई, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और लैंड फॉर जॉब घोटाले से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए एक बार फिर से एक मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही लालू परिवार की, और कहा यह जा रहा है कि पर्याप्त इस बार सबूत भी हैं, तो क्या कुछ नए सबूत हाथ लगे? अब बिल्कुल, देखिए लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार नए खुलासे जो हैं वो हो रहे थे, लेकिन अब देखिए राव जवेनी कोर्ट ने फिर से समन जो है वो पूरे लालू परिवार को भेज दिया। देखिए लालू परिवार में कुल 8 लोगों को, परिवार से बाहर भी कई लोग हैं जिनको समन किया गया है, लेकिन इस बार खासकर तेज प्रताप यादव को भी टारगेट किया गया है। तेज प्रताप यादव को भी साफ कहा गया है कि ये भी इन तमाम चीज़ों में जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं कि सीधे तौर पर नहीं लेकिन तमाम अलग तरीके से इन्हें भी फायदा हो रहा था। तो लैंड फॉर जॉब मामले में इस बार तेज प्रताप यादव को भी समन किया गया है। देखिए 7 अक्टूबर को इन तीनों बड़े नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने के लिए कहा गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में कई ऐसी जमीनें थीं जिसको लेकर ये बातें कही गई कि लालू यादव ने जमीन लेकर नौकरी दी थी, सरकारी नौकरी दी थी। अब इसमें कई कह सकते हैं शख्स जो हैं वो ईडी को मिले थे, सीबीआई को मिले थे और लगातार इसको लेकर बातें सामने आ रही थी, लेकिन कोर्ट ने अब समन जारी कर दिया और तीनों को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने को कहा है। और साथ ही साथ मीसा भारती का भी नाम इसमें है, क्योंकि मीसा भारती के नाम पर भी कई जमीन दिए गए थे और उसके बाद मीसा भारती कह सकते हैं कि लालू यादव ने जो सरकारी नौकरी है वो दी थी। तो इस बार मीसा भारती, हालांकि उन्हें समन नहीं किया गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव इन तीनों को समन किया गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके विदेश दौरे को भी रोका जा सकता है, क्योंकि जब उन्हें सशरीर हाजिर होने को कहा गया है तो तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे में 7 अक्टूबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी, लालू यादव और तेज प्रताप तीनों को पेश होना होगा। अंकुर, उत्कर्ष, क्या समन की तारीख भी सामने आई कि आखिर क्या किस डेट को यह समन भेजा गया है? और इसके साथ ही साथ ये भी कि देखिए क्या बैठे बिठा एक मौका नहीं मिल गया, फिर से लालू परिवार कहता हुआ नजर आएगा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर पहले भी हमने देखा ये जिक्र उनकी ओर से किया जाता था। अब बिल्कुल, देखिए अगर तारीख की बात की जाए तो 7 अक्टूबर को जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में तीनों को पेश होना है। इसके अलावा अगर पूरे मामले की बात की जाए तो लालू यादव इसको लेकर कई बार जेल भी जा चुके हैं, हालांकि फिलहाल अभी वो स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर आए हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि फिर से परेशानी और मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक तरफ जहाँ लालू यादव के लिए जेल फिर से कह सकते हैं कि जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, तेजस्वी यादव को भी समन हो सकता है, लेकिन देखिए इस वक्त ये स्थिति हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर विपक्ष को मिल गया है कि जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर कोर्ट का समन होगा तो तमाम नेताओं को पहुंचना होगा। लालू यादव की कुछ दिन पहले भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो परेशानी लालू यादव को जरूर है, लेकिन बावजूद इसके 7 अक्टूबर को इन तीनों बड़े नेताओं को पहुंचना है। लेकिन खासकर इस बार सबसे अहम इसलिए भी होगा अंकुर, क्योंकि इस बार तेज प्रताप यादव को भी सामने रखा गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में नहीं था। राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये 4 लालू परिवार के लोग थे जिनका नाम था, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आ गया है और तेज प्रताप यादव बिल्कुल यानी और यही बात इस तरफ भी सारा करती है, यानी कुछ नए सबूत भी हाथ लगे और कहीं ना कहीं केस पहले से मजबूत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों अलग बातें हैं कि आप एक तरफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट का समन गया है तो आना जरूर होगा। हालांकि अब देखने को क्या कुछ कार्रवाई सामने निकल कर आती है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल कहीं ना कहीं लालू परिवार की